रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। देखो, एनर्जी का और पोटेंशियल का क्या रिलेशन है? आपने पूरा लेक्चर सुना, मैंने कभी बोला कि ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है। देखो, इस पॉइंट की एनर्जी निकाल रहा हूँ, मैंने कभी पॉइंट एनर्जी बोली नहीं। मैंने क्या बोला? सिस्टम की एनर्जी है। लेकिन मैंने जब बोला पोटेंशियल निकालो, इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालो, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पे निकलता है, फोर्स उस चार्ज पे निकलती है जहाँ पे वेक्टर बनते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पे निकलता है, पोटेंशियल पॉइंट पे निकलता है, एनर्जी पॉइंट पे नहीं निकलती। वो क्यों? एनर्जी पॉइंट पे क्यों निकल रही? क्योंकि क्योंकि अगर मैं दो चार्जेस को पकड़ के पास लाता हूँ तो मैं क्या करता हूँ? वर्क डन। अब वर्क डन पॉइंट पे थोड़ी ना कर रहा हूँ, वर्क डन तो दोनों सिस्टम पे कर रहा हूँ, दोनों चार्जेस पे कर रहा हूँ, तो पॉइंट कहाँ से आएगा? पूरे सिस्टम पे वर्क डन कर रहा हूँ। क्लियर है यहाँ तक? तो एनर्जी सिस्टम की है। जैसे ये दो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2, और इनके बीच में डिस्टेंस है R। यहाँ R मार्क कर लेना, R। तो सिस्टम की एनर्जी है क्या Q1 Q2 की? 1/4πε0 Q1 Q2/R। ठीक है यहाँ तक? इसमें ये चार्ज है Q1 और R डिस्टेंस दूर, यहाँ पर क्या है? पोटेंशियल। ठीक, पोटेंशियल। तो अगर मैं ये कहूँ कि Q1 चार्ज ने यहाँ पर क्या पोटेंशियल लगाया, तो जहाँ पे मुझे पोटेंशियल निकालना है, चाहे वहाँ Q2 चार्ज पड़ा हुआ था, मुझे चाहिए ही नहीं, क्योंकि एक पॉइंट जैसे Q2 पड़ा हुआ है, Q2 बोलो अपने ऊपर क्या पोटेंशियल लगाएगा? चार्ज अगर मान लो Q2 पड़ा हुआ है, इस पॉइंट पर कौन कौन पोटेंशियल लगाएगा? एक Q1 है, एक Q2, तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है तो Q1 तो लगाएगा, क्या Q2 लगाएगा? क्यों नहीं लगाएगा? R0 हो जाएगा। एक पॉइंट अपने, एक चार्ज अपने ही ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगा सकता, एक पॉइंट या एक चार्ज अपने ऊपर ही पोटेंशियल भी लगा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि R0 हो जाएगा, डिनोमिनेटर में जीरो, नॉट डिफाइंड, डिफाइंड नहीं है। तो इसलिए जब मैं ये बोलता हूँ कि यहाँ पर Q1 चार्ज है, यहाँ पर Q2 चार्ज है, और यहाँ पर पोटेंशियल निकालो, तो मुझे Q2 उड़ाई देना है, मुझे चाहिए ही नहीं है। तो वहाँ पर मैं उसकी जगह क्या एज्यूम कर लूँगा? +1। इलेक्ट्रिक फील्ड में यही करते थे, जितना मर्जी चार्ज पड़ा हुआ, जहाँ ई निकालना है वहाँ +1, जहाँ वी निकालना है वहाँ +1। तो वी कौन लगाएगा? ये लगाएगा। कितना लगाएगा? 1/4πε0 Q1/R लगाएगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है? कोई डाउट इसमें? तो Q1 ने पोटेंशियल लगाया, सिस्टम की एनर्जी आ गई, इन दोनों को आपने डिवाइड कर लिया, सिस्टम की एनर्जी को वी पॉइंट के इस पोटेंशियल से डिवाइड कर दिया। ठीक है यहाँ तक? तो ये टर्म्स कैंसिल हो गई। कैंसिल होने पे यू इज इक्वल टू क्या बचा? Q2 इंटू वी बच गया। तो सिस्टम की एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ गया? चार्ज इंटू पोटेंशियल। अब यानी कि प्रैक्टिकल यूज कैसे करना है ये समझो। आपको कभी भी न्यूमेरिकल आएगा, वो कहेगा पोटेंशियल एनर्जी निकालो। जब वो कहेगा पोटेंशियल एनर्जी निकालो, तो आपको कम से कम दो चार्जेस वो देगा, एक Q1 देगा, एक Q2 देगा, एक R देगा। आप फॉर्मूला लगाएंगे, आपकी एनर्जी आएगी। क्या पॉइंट क्लियर है? लेकिन कभी कभी वो आपको दो चार्ज नहीं देगा, सिर्फ और सिर्फ एक चार्ज देगा Q2। कहेगा Q1 नहीं है मेरे पास। आप कहोगे Q1 नहीं है, फिर एनर्जी कैसे निकालूंगा? वो कहेगा एक काम कर, Q1 मत ले, तो एक काम कर, इस Q1 ने यहाँ पे जो पोटेंशियल लगाया था, मैं Q1 चार्ज तो भूल गया, पर हाँ Q1 ने यहाँ पोटेंशियल लगाया था, वो मेरे से ले ले। हाँ तो दे दो। तो अगर आप इस पॉइंट पर चार्ज मुझे बता देते हो कितना पड़ा हुआ है, और इस पॉइंट पर पड़ोस के चार्ज का पोटेंशियल भी बता देते हो, तो मैं इन दोनों को माइनस करके क्या निकाल सकता हूँ? सिस्टम की एनर्जी एक ही बात है। तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बहुत डेरिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसे इंपॉर्टेंट है, आपको यूज़ करना आना चाहिए। आप ये केमिस्ट्री में 100 बार यूज़ कर चुके हो, और आज आपको यकीन होगा, अच्छा ऐसा किया था हमने कभी? एक साल से आपको क्वेश्चन गिवन होगा, एक इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन है, मैंने एक पॉइंट पे रखा, मान लो इलेक्ट्रॉन को एक पॉइंट पे रखा जहाँ पर पोटेंशियल की वैल्यू कितनी थी, 10 वोल्ट थी, पता नहीं कोई चार्ज ने लगा रखी थी, वह 10 वोल्ट लगी हुई थी। तो इलेक्ट्रॉन को जब वहाँ पे रखा, इलेक्ट्रॉन ने काइनेटिक एनर्जी एक्वायर कर ली, तो बताओ उसकी वेलोसिटी क्या है? आपको क्या क्वेश्चन है? ऐसे कैसे काइनेटिक एक्वायर कर ली? क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन को आपने एक पॉइंट पे रखा, वहाँ पे पोटेंशियल 10 वोल्ट था, तो उस इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी आ गई। कैसे आ गई? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पे कितना पोटेंशियल लगा हुआ था? 10 वोल्ट। इलेक्ट्रॉन 10 वोल्ट, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी, सुना हुआ है ना केमिस्ट्री में? ईवी नहीं सुना?
सुना होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो कहाँ से आया, वो एक्चुअल में यहीं से आ रहा है, चार्ज इनटू पोटेंशियल से। तो आप चार्ज को उसके पॉइंट के पोटेंशियल से मल्टीप्लाई कर दें तो एनर्जी आ जाएगी। अब आपको अगर इसको जूल में कन्वर्ट करना है तो 1.6 इनटू 10 की पावर माइनस 19 से मल्टीप्लाई करके जूल में कन्वर्जन हो जाएगी। आपको उसकी वेलोसिटी निकालनी है, ये एनर्जी से इलेक्ट्रॉन भागेगा और ये एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता होगा, वेलोसिटी कैन बी कैलकुलेटेड। तो ऐसे न्यूमेरिकल आएंगे आपको एनर्जी के ऊपर, कम से कम 100 न्यूमेरिकल इसके ऊपर आएगा। और आज नहीं, मॉडर्न फिजिक्स करके जो फिजिक्स चलती है सितंबर के बाद, उसमें स्टार्टिंग ऐसे होता है कि एक प्रोटॉन दे देगा, अल्फा पार्टिकल दे देगा। जैसे अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल को 10 वोल्ट का पोटेंशियल दिया तो उसको कितनी एनर्जी मिली, अल्फा पार्टिकल पे ट्वाइस प्रोटॉन का चार्ज है इनटू 10 वोल्ट, इतनी एनर्जी मिली, कितनी, 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको 1.6 इनटू 10 की पावर माइनस 90 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर जूल में आएगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, कैसे सोचना है इसे, कोई डाउट इसमें, ठीक है यहाँ तक? तो ये पॉइंट भी समझ में आ रहा है।